नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके शॉप में। आज हम कोई ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो हमेशा काम आए। आज मटर स्टोर करनी सिखाएंगे। ये हमने मटर लिए 1 किलो, तो इसके दाने निकाले, छील कर हमने साफ करके अब स्टोर करनी सिखाएंगे। तो हमने ये पानी पतीले में रख दिया गर्म होने, और 1 चम्मच लिए हमने चीनी है। तो इसको हम एक उबाल लगाएंगे मटर को, भाप लगा के और दाल में छान लेंगे पानी से। और 1 चम्मच ये चीनी है हमारी, चीनी डाल देते हैं इसके अंदर और चला देते हैं चम्मच से एक बार। तो चीनी हमने किस लिए डाली है कि हमारी मटर का कलर बरकरार रहे, कलर इसका डल नहीं होना चाहिए। ऐसे उबल जाने से इसको उबल जाएगी, तब हम इसको छान लेंगे, पानी निकाल देंगे ठंडी करके। या तो जो एयरटाइट कंटेनर होते हैं टिफिन वगैरह उसमें रख कर सकते हो आप, या फिर जैसे पॉलीथीन होती है ये छील हो जाती है पॉलीथीन हमारी, इनमें डाल कर रख सकते हो ठंडी करके, और फ्रीजर में रख दो जहाँ पर बर्फ़ जमाते हैं। फ्रीजर के अंदर बड़ा लिफाफा ले सकते हो, छोटे ले सकते हो, जैसा अपने परिवार के हिसाब से। बार बार नहीं लगानी पड़े, लिफाफा लिखा रहो और एक बार बना लो, तो चीन रख सकते हो। बड़ा लिफाफा भी लिया है मैंने, ये बड़ा लिफाफा भी है, ये चिट ब्लॉक बोलते हैं इसको लिफाफे। ये मटर हमारी सारी ऊपर आ जाएगी, जब स्टीम हो जाएगी इसकी, ज़्यादा पकाना नहीं है। मैंने 1 साल पहले अपनी रखी थी मटर, अभी मेरी भी पड़ी पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर, आपको दिखाती हूँ लाके मैं। ये देखो इस तरह के टिफिन होते हैं, इनमें भी रख सकते हो। ये रखिए, मैं इनको हवा नहीं लगे लगनी चाहिए, फटाफट से बंद कर दो। और आपके पास टिफिन नहीं है, ये टाइट कंटेनर नहीं है, तो आप पॉलीथीन, जैसे घर में सब्जी की पन्नी आती है उसमें भी रख सकते हो, या कोई मिठाई का डिब्बा आता है उसमें रख सकते हो आप। रबड़ लगा के अच्छे से और पन्नी में पैक करके, ये देखो मैंने रख रखा है रबड़ लगा के। ये देखो कितनी अच्छी मटर मेरी अभी तक ऐसी की ऐसी है। अब ख़त्म होंगे, मेरे 2 डिब्बे बचेंगे, अब अगले साल के लिए और स्टोर कर रही हूँ। उबाल आ गया, उतार लेते हैं अपने, टाइम भी नहीं लगता। और आगे हमारे गर्मी के टाइम में मौसम बगैर मौसम में मटर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, और इस टाइम सस्ती है, मटर का सीजन चल रहा है, तो स्टोर करो उसको। इस टाइम 20 रुपये किलो मटर बिक रही है, जितनी आपके फ्रिज में स्टोर हो सकती है उतनी कर सकते हो, 3 किलो 4 किलो 5 किलो। एक उबाल हो रहा है, बस हो गई। चीनी डालने से हमारी मटर ख़राब भी नहीं होगी और मीठी भी रहेगी, कलर जैसा हरा रंग का, हरे रंग का कलर हरा ही रहेगा इसका कलर, कितनी बढ़िया कलर आया है। पाँच मिनट उबालनी है बस, 5 मिनट हो गए, अब बंद कर देते हैं हम। मटर हमारे तैयार है, चटनी में छान लेते हैं इसमें को। छान छान के पानी देना चाहिए इसमें, कितनी बढ़िया बनी मटर हमारी, 1 साल तक आराम से रुकेगी। गर्मियों में काम आएगी मटर हमारी, गर्मियों में महंगी हो जाती है मटर, 25 रुपये पाव मिलती है फ्रोजन मटर लेके आओ तो स्टोर से।
पानी निकाल दिया हमने इसका। ये हमारे लिफाफे डाल लेंगे। हवा दिखा दी थोड़ी इसको। जितनी इसके आए पाए उतनी डाल लो इसमें, ज़्यादा ना भरे। इसको इतनी हो रहे हैं, ज़्यादा हो जाएगी फिर हमें। अब इस तरह से हवा निकाल के पीछे दबाते हुए इस तरह सील कर दें। एक छोटा लिफाफा हम उसमें रख लेंगे। ये मटर अपनी बहुत बढ़िया बन गई। फिर बढ़ेंगे अपनी रेसिपी में अपनी। ये देखो इस तरह एक साल तक चलेगी आपकी मटर आराम से, अच्छे से रख सकते हो। कितनी बढ़िया लग रही मटर हमारी। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे अपनी रेसिपी में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे को। थैंक यू।